भारत आसियान सम्मेलन में आतंक और व्यापार पर चर्चा, 25 जनवरी को दिल्ली में बैठक। आतंकी हाफिज सईद जिहाद फैलाने के लिए 1990 में ब्रिटेन गया था। बीबीसी के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। सीएम महबूबा मुफ्ती का कश्मीरियों को संदेश, कहा जो भी मिलेगा इसी मुल्क में मिलेगा और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। करनी सेना की महिला विंग ने पीएम को चिट्ठी लिखी, फिल्म पद्मावत की रिलीज पर रोक की मांग। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा का अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा बीजेपी अटल और आडवाणी वाली नहीं रही। रॉकेट मैन शिवन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, एएस किरण की जगह लेंगे। किरण का कार्यकाल 14 जनवरी तक है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम की तारीख की घोषणा की है, 5 मार्च से परीक्षा शुरू होगी। 2021 की जनगणना का काम इस साल शुरू होगा, राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला।